क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है क्या? मुझे तो इस बात में शक है। शक इस वजह से है क्योंकि पिछले साल ही देखें तो आखिर के एक घंटे में 49 लाख लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया था। यानी आखिरी समय में काम करने की आदत सिर्फ हमारी आपकी नहीं है, हर किसी की होती है, और फिर मुसीबत तो आनी आनी है। अब देखिए ना, आपने अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अभी आप अपने सीए को फ़ोन कर रहे होंगे। आधे समय में आपके सीए हो सकता आपका फ़ोन ना उठाएं, फ़ोन उठाए भी तो काफ़ी व्यस्त रहें क्योंकि हम आप जैसे कई लोग उनको फ़ोन कर रहे होंगे। तो ऐसे में क्यों नहीं आपने सोचा कि अपना रिटर्न खुद फाइल किया जाए? मुझे लगता है कि आप सोच के ही डर जाएंगे क्योंकि इनकम टैक्स है कानून, रिटर्न फाइल करना, कहाँ से पैसे लाऊं, कैसे, कौन सा, किस कॉलम में दिखाऊं, बहुत सारे झंझट है ना। लेकिन इन सब के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक जगह आइए, वह है CNBC आवाज, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल करने का बेहद आसान तरीका। और इतना आसान तरीका बताऊंगा आपको कि आप ये जानने के बाद अपना तो फाइल कर ही लेंगे, बल्कि आप ऑफिस में घूम घूम कर पूछेंगे कि आपका रिटर्न फाइल हुआ क्या, मैं आपकी मदद कर दूं क्या। तो कहीं मत जाइएगा, आपको बताने वाला हूं खुद कैसे भरें अपना इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरते वक्त कौन सा फॉर्म चुने, कैसे फॉर्म चुने, उसमें क्या भरें क्या नहीं भरें, इन सब चीज़ों में जाने से पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है वो ये कि कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपको ज़रूरत होते है उसको देखने की। उन सारे दस्तावेज को आपको जुटाने हैं। आप दस्तावेज कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला दस्तावेज है कि आपको पिछले कारोबारी साल का बैंक स्टेटमेंट निकालना है। पिछले कारोबारी साल का बैंक स्टेटमेंट निकालने का मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट है उन सारे का स्टेटमेंट निकालिए। उसमें खास तौर से ये ध्यान रखिए कि उसमें बैंक ने आपके जो पैसे सेविंग अकाउंट में भी जमा हुए तो कितने इंटरेस्ट वहां पर दिया गया, इस पर आपको खास ध्यान देना होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है वह है फॉर्म 16 या फिर कहें फॉर्म 16A। इससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, TDS कितना कटा है, कैसे क्या है, उसका हिसाब किताब का ब्यौरा आपको मिल जाएगा। तो फॉर्म 16 आपके पास होना बेहद ज़रूरी है। तीसरा जो दस्तावेज है वो है शेयर ब्रोकर के स्टेटमेंट। यानी अगर आप शेयर बाज़ार में लेन देन करते हैं तो शेयर ब्रोकर का स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। उसमें इसका ध्यान रखना है कि कैपिटल गेंस कितना हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस क्या हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए शेयर ब्रोकर का स्टेटमेंट होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वह है प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री का ब्यौरा आपको रखना होगा। जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है उसमें कितने में बेचा, कितने में खरीदा था, कितने साल तक अपने पास रखा था, उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, ये सारी बातें आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ITR भरते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक और बात वह है किराए का ब्यौरा होना चाहिए। यानी पूरे कारोबारी साल में आपने कितने किराए लिए, किराए से कितनी आमदनी हुई, किराया दिया भी है तो इसका भी ब्यौरा अपने पास रखिएगा। साथ ही साथ आपको डिविडेंड की डिटेल्स रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिविडेंड पर टैक्स लगता है। डिविडेंड कितना कितना आपको मिला है इसके लिए डिविडेंड की डिटेल्स का होना बेहद ज़रूरी होता है ITR भरते वक्त। साथ ही साथ अगर आपको बिजनेस से कोई आमदनी हुई है, मान लीजिए छोटा मोटा कोई कारोबार आपका है, नौकरी पेशा होने के बावजूद कारोबार है या फिर वैसे कारोबार है, तो उससे जो आपको आमदनी हो रही है चाहे नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो उसका भी आपको ब्यौरा रखना होगा। यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको रखना होगा ITR फॉर्म भरने से पहले। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसको आपको ITR फॉर्म भरने से पहले अपने पास रखना होगा। जब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएं तब फिर आप इनकम टैक्स वेबसाइट को लॉगिन करिए, तब आप ITR फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़िए। आगे क्या करना है वो भी बताएंगे अगले वीडियो में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त अक्सर लोग एक गलती करते हैं, वो गलती आप मत करिएगा। गलती ये करते हैं कि सबसे पहले अपने आप को लॉगिन कर लेते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे और लॉगिन करके अपना रिटर्न फाइल करने लग जाते हैं। और रिटर्न फाइल करते वक्त कई बार फॉर्म 16 की ज़रूरत पड़ती है तो फॉर्म 16 खोजने लग जाते हैं, EIS की ज़रूरत पड़ती है तो EIS खोजने लगते हैं, 26AS नहीं होता है, बैंक स्टेटमेंट भी लोगों के पास नहीं होता और रिटर्न फाइल करने लग जाते हैं। और होता क्या है कि जब तक आप ये सारे दस्तावेज जुटाते हैं तब तक आप या तो लॉग आउट हो चुके होते हैं या फिर आपकी वेबसाइट हैंग कर चुकी होती है, और हैंग करने की समस्या भी बढ़ जाएगी क्योंकि आखिरी समय में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए फिर आप दुखी हो जाते हैं और रिटर्न फाइल करना छोड़ देते हैं और फिर CEO को फ़ोन लगाते हैं। तो बताऊं कि आप ये गलती नहीं करिए, गलती नहीं करेंगे इसके लिए क्या करना होगा, जितने भी ज़रूरी दस्तावेज है वो आपको पहले जमा कर लेना होगा। और दूसरी बात
कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपना अकाउंट पहले से खोल लीजिए। अकाउंट खोलने के लिए आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन चाहिए होता है और फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इस अकाउंट को खोलने के बाद जरूरी दस्तावेज अपने पास रखने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू करिए। अब आप पूछेंगे कि वो जरूरी दस्तावेज कौन कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद कैसे फाइल कर सकते हैं। हमारी इस कोशिश में हमारे साथ हैं हमारे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और टैक्स गुरु शरद कोहली साहब। और कोहली साहब के साथ हम आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल करने में आपको किस किस कदम पर क्या करने की ज़रूरत है। जो लोग पहली बार अपना ITR फाइल करते हैं उनके पास सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि इतने सारे ITR फॉर्म हैं, हमारे लिए कौन सा फॉर्म सबसे उपयोगी है। तो अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म उपयोगी है जिसमें आपको ITR फाइल करना है। तो आइए आपको बताते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है और ध्यान दीजिएगा कि इनकम टैक्स की कई सारी वेबसाइट है, आपको चुनना है IncomeTax.gov.in। इससे मिलते जुलते दूसरी वेबसाइट पर मत चले जाइएगा, पता चला आपका सारा सिस्टम कोई और दूसरा ले गया। इस वेबसाइट पर जाना है और जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जाना है इस कॉलम पर जहाँ पर इंडिविजुअल लिखा हुआ है और जहाँ पे HUF लिखा हुआ। यहाँ पे जाएंगे तो सैलरीड एम्प्लॉय में जाएंगे, चूँकि अधिकांश आप लोग मान के चल रहा हूँ कि नौकरी पेशा लोग होंगे। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको आ रहा है रिटर्न फॉर्म्स अप्लीकेबल टू मी, यानी आपके लिए कौन सा रिटर्न फॉर्म उपयोगी है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कई सारे फॉर्म के लिए खुलना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आपको ITR 1 दिख रहा है सहज, ऐसे ITR 1, ITR 2, 3, 4 कई सारे फॉर्म होंगे। अब ITR 1 आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है ये यहाँ पे इसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, लेकिन चूंकि इनकम टैक्स की वेबसाइट है थोड़ी सी तकनीकी डिटेल है तो कोहली साहब समझ लेते हैं। कोहली साहब, ये ITR 1 किन किन के लिए है? देखिए, आपने जो लक्ष्मण टैब खोला हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो ऊपर ब्लॉक्स बने हुए हैं और उन ब्लॉक्स में आप ध्यान दीजिए, वहां लिखा है सैलरी पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस जिसमें इंटरेस्ट फैमिली पेंशन डिविडेंड, और फिर लिखा है एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000। तो यही आपको जवाब, आपके सवाल का जवाब उन बॉक्सेस में है कि अगर आपकी इन सोर्सेस से इनकम है तो आपके लिए ये सहज यानी कि ITR 1 एप्लीकेबल है। अब इसके बाद अगर आप जाएंगे तो ITR 2 आता है। ITR 2 में भी लिखा हुआ है कि कौन से आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है। तो उसमें लिखा हुआ कि जो लोग एलिजिबल नहीं है ITR 1 के लिए और जिनके पास कोई प्रॉफिट और गेंस नहीं है बिजनेस और प्रोफेशन से, इसको थोड़ा आसान भाषा में समझा। हाँ बिल्कुल, देखिए इसको ITR 1 से एक्सक्लूड करके बताया गया। हाँ। मतलब अगर ITR 1 आप पे अप्लाई नहीं होता है तो ITR 2 होता है, मतलब पर शर्त यह है कि आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं होनी चाहिए और आपका ITR 1 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो। इसमें एक चीज और है लक्ष्मण, कि 50 लाख से ऊपर अगर आपकी सैलरी इनकम है तो फिर आपके लिए ITR 2 हो जाता है। अच्छा, उसमें ITR 1 में था 50,000 से कम है, 50 लाख तक, 50 लाख से कम है, माफी चाहूंगा, अभी 50 लाख से ऊपर है तो आप इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। और अगर आपकी कैपिटल गेन वगैरह से इनकम है तब भी आपको ITR 2 अप्लाई होगा, पर इसमें शर्त है ITR 2 तब तक अप्लाई होगा जब तक आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं होती। मान लिया शेयर बाजार वगैरह से इनकम हो रही है, अगर उसको हम बिजनेस के तौर पर नहीं दिखा रहे हैं तो फिर आप ITR 2 में जाएंगे, अगर बिजनेस के तौर पर दिखा रहे हैं तो आप अगले ITR यानी 3 में। बिल्कुल, ITR 3 ये आ गया। अब ITR 3 में आप देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी हुई हैं जिसमें आपको बिजनेस और प्रोफेशन से कोई भी इनकम हो रहा है तब इसके दायरे में आएंगे। अगर आप ITR 1, ITR 2, ITR 4 के दायरे में नहीं आते हैं तब आप इसके दायरे में आएंगे। ये भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझाया गया है। बिल्कुल, देखिए अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है तो आपके लिए ये अच्छी पहचान है कि बिजनेस प्रोफेशन से है तो ITR 3 है। अब ITR 3 है पर आपके ऊपर ITR 1, 2 और 4 लागू नहीं होती है, ये एक और पहचान बता दी, एडिशनल पहचान बता दी, जिससे कि अगर आप ऐसे नहीं तो ऐसे पहचान ले। पर इसमें ध्यान देने वाली बात लक्ष्मण ये है कि ऐसा नहीं है कि आप ITR 3 में है तो आप कैपिटल गेन इनकम नहीं दिखा सकते, ऐसा नहीं है। पर अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो फिर ITR 3 के साथ आप बाकी इनकम भी इसी में दिखाएं। तो एक सवाल जो आपसे मैंने पहले पूछा था कि मान लिया हमें शेयर बाजार से आमदनी हो रही है और उस आमदनी को अगर हम बिजनेस इनकम के तौर पर दिखाना चाहते हैं तो हमारे लिए ITR 3 सही है। जी हाँ, फिर आप ITR 2 से हटकर ITR 3 पे आ जाएंगे। उसको अगर आप कैपिटल गेन के रूप में दिखा रहे हैं तो ITR 2 रहेगा, अगर आप बिजनेस प्रोफेशन के रूप में दिखा रहे हैं तो ITR 3 रहेगा। अब एक और ITR फॉर्म है जो आम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो है ITR 4, जिसका नाम ही रखा गया है सुगम। ये सुगम फॉर्म कितना सुगम है, इसमें कहा गया है कि LLP के अलावा जितने भी इंडिविजुअल हैं, HUF हैं,
फर्म है उनके लिए आईटीआर 4 है। अगर उनकी आमदनी सैलरी से हो रही हो, पेंशन से हो रही हो, वन हाउस प्रॉपर्टी से हो रही हो, इंटरेस्ट से हो रही हो, डिविडेंड से हो रही हो, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 यानी कृषि से 5,000 तक आमदनी हो रही है, तब आपको आईटीआर 4 होना होगा। अब आईटीआर 4 कितना सुगम है कोहली साहब? सुगम इसको इसलिए कहा गया लक्ष्मण कि ये प्रिजम्प्टिव टैक्स जो हम सेक्शन 44 ADA की बात करते हैं, जहां पर एक आपको 6% या 8% टर्नओवर के ऊपर प्रॉफिट दिखाना होता है, उन लोगों के लिए ये अप्लाई करता है। तो ये ध्यान देने वाली बात, इसको सुगम इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां आपको खाते नहीं रखने होते। आपको पता होगा 44 ADA या AD होता है तो वहां पर खाते नहीं रखने होते, आप सीधा अपनी परसेंटेज टर्नओवर देखिए, उस पे 6 या 8% पे अपना प्रॉफिट दिखा दीजिए और आप इस सुगम का प्रयोग करके अपने रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं। तो ये 4 ITR हैं जो आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम के फॉर्म हैं, और आप किस कैटेगरी में आते हैं जैसा कि हमने समझाया, उस कैटेगरी का ITR फॉर्म को खोलेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि ITR फॉर्म प्रीफिल्ड आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ITR फॉर्म में ये सारी जानकारी पहले से दी गई होगी। ये जानकारी सही है गलत है कैसे मिला जा सकता कोहली साहब? बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी या कोई फिगर जो प्रीफिल्ड रिटर्न में ठीक नहीं आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि जो वहां से लिख के आ गया उसी का फरमान है, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई फिगर उसमें से डिफरेंट आपको अपने रिकॉर्ड्स में दिखाई दे रही है। हाँ, इसके लिए आपको फॉर्म 16 अपने पास रखना है, फॉर्म 26S अपने पास रखना है। अब ये फॉर्म क्या होता है, कैसे रखना, कैसे मिलान करना है, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इतना तो आप सीख लीजिए कि आखिर आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म बेहद जरूरी है जिससे आपको ITR फॉर्म भरना है। अब तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आधा सफर तय कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका हौसला भी काफी बढ़ गया होगा। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इनकम टैक्स फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में क्या भरना है, कैसे भरना है, क्या देखना है। लेकिन उससे पहले आप जानिए कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, फॉर्म देखने जाएंगे चीजों को, तो आपके पास 3 फॉर्म होना बेहद जरूरी है। वो तीनों फॉर्म इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ही दिए जाते हैं। एक होता है फॉर्म 16 या फॉर्म 16A जो आपका एम्प्लॉयर देता है, दूसरा फॉर्म होता है 26AS और तीसरा फॉर्म होता है AIS। ये 26AS और AIS जो है ना, वो दरअसल आपको खुद निकालना होगा, ये आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं देगा, ना तो इनकम टैक्स विभाग आपको मेल भेजेगा, ये आपको खुद निकालना है। कहाँ से निकालना है और उस फॉर्म का कैसे इस्तेमाल करना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आपको बताएंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश, खुद भरें अपना ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न। इस खास कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद आप कैसे भरें। इसके हर तरीके को आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप बगैर किसी मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सके। अब तक आपने देखा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने जरूरी हैं। फिर हमने आपको बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म चुने, यानी आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जरूरी है। अब हम आगे आपको बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आप 3 फॉर्म अपने पास जरूर रख लें। एक फॉर्म है फॉर्म 16 जो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, लेकिन 2 जो फॉर्म है ना, वो आपको खुद निकालने होंगे और उसके लिए बहुत मशक्कत नहीं करनी होगी, लेकिन ये 2 फॉर्म बेहद ही जरूरी है। उनमें से एक है फॉर्म 26AS और दूसरा है AIS, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरेंगे ना, तो पहले से प्रीफिल्ड आएगा, उसमें आपकी सारी जानकारी पहले से दी गई होगी, लेकिन कई बार ये जानकारी गलत हो जाती है, इसकी वजह से आपकी टैक्स की देनदारी बढ़ भी जाती है। आप क्या करेंगे, इस फॉर्म के जरिए, फॉर्म 26AS के जरिए, फॉर्म AIS के जरिए आप उसका मिलान करेंगे कि जो जानकारी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में दी गई है वो सही है नहीं से सही है। अगर सही नहीं है तो आपके पास विकल्प होता है, आप उसको बदल सकते हैं और अपनी टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं अगर आपकी जानकारी सही है तो। अब जानकारी सही है कौन बताएगा, ये बताएगा आपको फॉर्म 26AS, ये बताएगा फॉर्म 16, ये बताएगा फॉर्म AIS। इसलिए ये फॉर्म आपको रखना बेहद जरूरी है। ये फॉर्म कहां मिलेगा, उसका इस्तेमाल कैसे करें, अगले वीडियो में बताएंगे, और हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। अब 26AS और AIS मिलेगा कहां, आपको बताता हूं। आपको चलना होगा सबसे पहले कंप्यूटर पर और वहां पर आपको ये वेबसाइट खोलनी होगी incometax.gov.in। यहां पर आपको लॉग इन करना होगा, लॉग इन में आपको अपना पैन देना होगा यूजर आईडी के तौर पे, आपने जो भी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड देना होगा। जैसे आप बनाएंगे तो आपको ये खुल के निकल कर सामने आएगा, ये
बाकी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, फॉर्म 26 एएस के लिए सबसे पहले चलते हैं, वहाँ पे आपको जाना है ई फाइल पे। ई फाइल पे जाएंगे, हो सकता है आपको कब दिख रहा हो, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जब ई फाइल पे जाएंगे आप, तो आपको यहाँ पे जो है सो ये दिखेगा, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर सारी चीज़ें दिखेंगी। इसमें आपको फॉर्म 26 AS ये दिख रहा है, ये फॉर्म 26 AS जो है इसी को आपको खोलना है। इसको खोलेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिस्क्लेमर दिखेगा। अब इस डिस्क्लेमर पे आप कंफर्म करेंगे तो आपको फॉर्म 26 AS आपके सामने आ जाएगा। और फॉर्म 26 AS मैं यहाँ कंफर्म करूँगा ना, तो मेरा खुद का आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा मेरी सैलरी कितनी है, कितनी आमदनी, कितने खर्चे हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। बताना चाहिए कोई साहब, आप सार्वजनिक करना चाहते हैं तो बताइए, वैसे बताना नहीं चाहिए। आप भी मत बताइएगा, किसी की भी फाइनेंशियल जानकारी एक गोपनीय जानकारी होती है, इसको शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि आपको समझाना है तो आपको बताऊँ कि इसके लिए हमने एक खास तौर से काल्पनिक फॉर्म बनाया है, जो 26 AS है, कोहली साहब की मदद से बनाया है। कोहली साहब, ये रहा काल्पनिक फॉर्म, अब मुझे ये बताइए कि इस फॉर्म में किन किन बातों का खास ख्याल रखें। देखिए, 26 AS को मैंने आसान नाम दिया है आमना सामना। जहां जहां से आपका टैक्स कटा है उससे आपका आमना सामना हो जाता है। और इसमें आप गौर से देखेंगे, आपको दिख रहा है डिडक्टर कौन है, उसका नाम है, किस डेट को उसने बुक किया, किस डेट को उसने काटा, कितना अमाउंट काटा और किस अमाउंट पे काटा है। तो इसको आप अपनी इनकम से मैच कर लीजिए। और बाय चांस ये मैच नहीं होता है लक्ष्मण, मान लीजिए इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि 26 AS में कुछ है, मेरी इनकम तो कुछ और दिखा रही है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आपको लगता है आपकी इनकम ठीक है तो आप वही भरिए, बाद में नोटिस आएगा, इस नोटिस का समाधान हो जाता है अगर आपकी बात ठीक निकल। लेकिन अगर आपकी जानकारी ठीक है तो हो सकता है नोटिस ना भी आए। कई बार होता है कि फॉर्म 26 AS में कुछ जानकारी होती है जो गलत हो जाती है, जो आपकी जानकारी से मिसमैच होती है, तो आप इसके हिसाब से इनकम टैक्स फॉर्म भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो प्रीफिल्ड जो फॉर्म आता है उसमें बदलाव कर सकते हैं। जी हाँ, उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वो डिडक्टर भरता है, कई दफे गलती हो जाती है, आप उसको बाद में, अगर आपको लग रहा है आपकी फिगर ठीक है तो उसका समाधान हो जाता है। तो ये रही बात फॉर्म 26 AS की। एक और फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है ITR भरते वक्त, वह है AIS। अब इस फॉर्म को कहां से लें, तो आइए इस फॉर्म को देखते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा इनकम टैक्स वेबसाइट पे, जो हमने खोला था, लॉगिन किया ही हुआ है। तो यहां पे आप जाएंगे तो आराम से इनकम टैक्स के लिए आप रिटर्न फाइलिंग में जाएंगे, तो यहां पे फॉर्म 26 AS जहां से दिख रहा था, ठीक उसके नीचे आपको व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS दिख रहा है। अब ये भी मैं क्लिक करूंगा ना तो मेरा सारा खाता वही निकल कर सामने आ जाएगा, इसलिए मैं दिखाऊंगा नहीं। हम लोगों ने काल्पनिक बनाया है AIS, उस काल्पनिक AIS के जरिए आपको समझाएं कि AIS में क्या देखना बेहद जरूरी है। कोहली साहब, क्या देखें जब AIS फॉर्म खुल जाए तो? जी हाँ, AIS का मैंने नाम रखा है आईना, इसे समझिए। आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल पूरा का पूरा इस पे दिख जाता है, आपने को क्रेडिट कार्ड से कितना खर्चा किया है, फॉरेन ट्रैवल कितना किया है, प्रॉपर्टी कितनी खरीदी है, अलग अलग संस्था इसको भरती हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आपके रिटर्न भरने के काम का नहीं है, रिटर्न भरने के काम का अप्रत्यक्ष रूप से है, पर ये प्रोफाइल बताता है। तो आप देखिए कि आपने जो खर्च किया है, जो आपकी इनकम है, उसमें कॉरोबरेट हो रहा है दोनों चीजें कि नहीं हो रही, उसमें मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसकी सीधी इंफॉर्मेशन आयकर रिटर्न में कहीं नहीं आती। चलिए, मुझे लगता है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि फॉर्म 26 AS और AIS का कैसे इस्तेमाल करें। लेकिन ITR भरते वक्त अगर आपको लगता है कि नया टैक्स रिजिम ज्यादा बेहतर है, वहां टैक्स ज्यादा बचेगा, या फिर पुराना ही अच्छा है, तो ये कैसे चुने, कैसे समझें, बताएंगे अगले वीडियो में। जी हाँ, अगला वीडियो बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। वो टैक्स जो बचाएंगे वो पिछले कारोबारी साल का भी टैक्स बचा सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो दरअसल आपने पिछले 2 साल से तो सुना ही होगा इनकम टैक्स की 2 रिजीम है, पुरानी और नई। मान लिया जाए आपने इनकम टैक्स की नई रिजीम चुन ली है, ये मान करके कि टैक्स इसमें कम बनेगा, और अब जब रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपके मन में फिर से दुविधा है कि काश पुरानी रिजीम में होते तो टैक्स ज़्यादा बचा लेते। अभी भी आपके पास विकल्प है, ये बात पता है आपको, अभी भी विकल्प है। लेकिन विकल्प कैसे चुने ये बेहद अहम होता है। अभी भी आप ये देख सकते हैं कि इनकम टैक्स की पुराने रिजीम में और नए रिजीम दोनों की तुलना करें तो किस रिजीम में हमें टैक्स की देनदारी कम पड़ेगी, और वो देखना बहुत मुश्किल नहीं है। इसके लिए कोई गुणा भाग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी भी टैक्स एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना इनकम टैक्स वेबसाइट लॉगिन करिए, आपके पास पूरी इनकम टैक्स डिटेल वहाँ निकल कर सामने आ जाएगी। और नीचे एक कॉलम आपको बताऊं अगले वीडियो में, नीचे बिल्कुल साफ दिखेगा कि इनकम टैक्स के पुराने रिजिम में आपकी टैक्स की देनदारी इतनी बनती है, इसमें इतनी बनती है। आप चाहें तो कुछ डिडक्शन और इसमें ऐड भी कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं जी, टैक्स की देनदारी कम हो सकती है अगर रिजिम स्विच करते हैं तो पुरानी में जाते हैं, अगर पुराने में है नए में जाते हैं तब देनदारी कम बनती है, तो आप बिल्कुल अभी भी कर सकते हैं और टैक्स की देनदारी घटा सकते हैं, और जो रिफंड बनेगा वो तुरंत आपके खाते में आ जाएगा। इसलिए अगला वीडियो जरूर देखिए।
आपके पास अभी भी मौका होना चाहिए कि अगर आप चाहें तो पुरानी से नए, नए से पुरानी में जा सकते हैं। कोहली साहब, ऐसा संभव है? बिल्कुल, जिस टाइम तक आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब तक ये चॉइस रहती है। 115 BAC नई का नाम है, तो यहां जाएं या वहां जाएं, ये आप रिटर्न फाइल करने तक चूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंप्यूटर पर जाना है। कंप्यूटर पर जाएंगे तो incometax.gov.in आपको खोलना है, लॉग इन करेंगे, लॉग इन में अपना पासवर्ड डालिए और यूजर आईडी, आमतौर पर पैन नंबर होता है, वो डालिए। और जैसे आप उसे डालेंगे तो ये आपको खुल करके सामने आएगा। और यहाँ पे जो है आपको, इसको मैं फॉन्ट बड़ा कर लूँ ताकि बेहतर तरीके से आपको दिखे। यहाँ पे देखिए, एक दिख रहा है आपको इनकम टैक्स, इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर। ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैं खोलूंगा तो मेरी खुद की सैलरी पूरी खुल जाएगी, मेरे टैक्स की देनदारी खुल जाएगी, और फिर ये बता देगा कि नए टैक्स रिजिम के तहत कितना बनता है, कितना पुरानी के तहत बनता है। लेकिन मैं अपनी सैलरी पूरी ब्यौरा आपको सामने खोलूंगा नहीं, इसका भी एक काल्पनिक हम लोगों ने बना रखा है, ये कैलकुलेटर। कोहली साहब, ये खुल गया पेज। अब इसमें देखिए, न्यू भी दिख रहा है, पुराना भी दिख रहा है। इसमें किस तरह से देखें, इसमें चूंकि न्यू पे देखें तो दिख रहा है कि न्यू पे यहाँ पे इतने का बन रहा है, पुराने पे इतने का बन रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें जो पहले से फिल किया हुआ है, जितने डिडक्शन हैं, जितने हम क्लेम कर रहे हैं, तो क्या इसमें बदलाव कर सकते हैं कि अगर हमें चुनने की बारी आए तो? जी हाँ बिल्कुल, ये एक फिल करने वाला फॉर्म है, आप इसको फिल करेंगे, आप अपनी इनकम की डिटेल्स, आपकी सैलरी। लेकिन इसमें तो पहले से फिल किया हुआ है, हमारे सैलरी कुछ फिल किया हुआ है, पर जो आप डालना भी चाहते हैं, आप मान लीजिए आप कुछ इनकम उसमें नहीं दिख रही है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, क्योंकि सारी चीजें फिल्ड होकर नहीं आ रही है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, आप वो डालेंगे। और इसमें खास बात यह है कि जैसे जैसे आप बटन दबाते जाएंगे, उसके नीचे जो माइनर डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने आते जाएंगे, तो आप इसको बाकायदा भर सकते हैं। और भरेंगे, जैसे ही आप खत्म करेंगे, आप देखेंगे ओल्ड और न्यू दोनों में आपका टैक्स कैलकुलेट होकर सामने आ जाएगा, तो दुविधा से आप मुक्त हो जाएंगे कि मेरे लिए ये बेहतर है या ये बेहतर। बिल्कुल, जैसा कि इस फॉर्म में साफ तौर से दिख रहा है कि आपके लिए क्या बेहतर है, पुरानी बेहतर है या नई बेहतर है। आपको लगता है ज्यादा पैसा बच रहा है जिस रिजिम में आप नहीं है उस रिजिम में, तो आप उस रिजिम में स्विच भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। न तो किसी सीए के पास जाना और न ही आपको किसी अकाउंटेंट के पास जाना, आपके पास खुद ये विकल्प है। ये थी ITR की ABCD, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की हर वो बारीक बातें जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हमने आपको बताया है, और हम उम्मीद करते हैं कि देखने के बाद आप अपना ITR खुद फाइल कर सकेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि ITR फाइल करना एक प्रक्रिया नहीं है, ये इनकम टैक्स से जुड़ा मामला है और आपके पैसे से जुड़ा मामला है, आपके खून पसीने की कमाई से जुड़ा हुआ मामला है। जितनी बारीक तरीके से आप देखेंगे ना कि कहाँ टैक्स कट रहा है, कहाँ हम टैक्स बचा सकते हैं, सही कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कहाँ एंट्री सही हुई है, उतनी बारीक से, उतनी दिलचस्पी से कोई नहीं देखेगा। इसलिए एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा खुद अपना ITR फाइल करने का। अगर सफल हो जाते हैं तो आप खुद अपना तो फाइल कर ही लीजिए, बल्कि दूसरों से भी पूछिए, अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछिए कि क्या आपने ITR फाइल किया है क्या, अगर नहीं किया है तो उनकी भी मदद करिए। और मैं यही कहूँगा कि ITR फाइल करने में सारी दिक्कतें अब दूर हो जानी चाहिए। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज़।